जांचने से जुड़ी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। एएसआई के वकील ने इंदौर हाईकोर्ट में इसे पेश कर दिया है। अब 22 जुलाई को इस पूरे मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। धार की भोजशाला अब खुलेगा ताला। सर्वे पूरा हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट। भोजशाला सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। मंदिर या मस्जिद साफ होगी तस्वीर। धार की भोजशाला को लेकर चल रहे विवाद के बीच एएसआई सर्वे पूरा हो गया है। सर्वे की रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है। 2000 से ज्यादा पन्नों की इस रिपोर्ट में 98 दिन किए गए सर्वे का पूरा लेखा जोखा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। धार के हिंदू समाज ने, जिले के हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से कड़ा संघर्ष किया है। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर अब भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, अब इसकी तस्वीर साफ होगी। अब आपको बताते हैं भोजशाला के सर्वे में क्या क्या मिला है। सर्वे में क्या मिला? चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम के सिक्के, 94 मूर्तियां और मूर्ति कला के टुकड़े, खंभों में 4 सशस्त्र देवताओं की मूर्तियां, भगवान गणेश और ब्रह्मा जी की मूर्ति मिली। भोजशाला के स्तंभों पर मानव और पशु आकृति। सर्वे में कई लंबी साहित्यिक रचनाएं मिली। भोजशाला को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं उनसे मंदिर होने के प्रमाण मिल रहे हैं। रिपोर्ट है काफी पॉजिटिव है और इस रिपोर्ट से समझ में आता है कि वहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल हुआ करता था, जिसको गलत ढंग से इलीगल तौर से एक मॉस का शेप देने की कोशिश की गई है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो 98 डेज के सर्वे में हमने देखा था वो बहुत ही क्रूशियल था। वहाँ पे भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं और ये साबित करती है पूरी रिपोर्ट और ये पूरा सर्वे कि वो चीख चीख के भोजशाला कोई एक मस्जिद परिसर नहीं था, वो एक हिंदू मंदिर का परिसर था जिसको गलत ढंग से एक मॉस के रूप में उपयोग करने का काम किया जा रहा था। अब इंदौर हाईकोर्ट रिपोर्ट की स्टडी करेगा, उसके बाद 22 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में रोक लगा रखी है और अब इस पूरे रोक को हटाने की मांग की गई है। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले पर जब सुनवाई हाईकोर्ट करता है तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो बातें कही उन बातों से जो सच है वो छुप नहीं पा रहा है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18, दिल्ली। और अब बढ़ते आगे फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।